और इसलिए बात करेंगे अब मध्य प्रदेश के इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की पोल खोलकर एक यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के भी कार्य करने का तरीका मुख्यमंत्री की आचरण पर निर्भर करता है। साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने भी बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का यहाँ पर बयान शिवराज सरकार को आईना दिखा रहा है। शिवराज सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहाँ पर चौहान ब्यूरोक्रेसी से यहाँ पर दबे हुए मुख्यमंत्री हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर उनका कि उमा भारती ने यह भी यहाँ पर साफ कर दिया है कि ब्यूरोक्रेसी और साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्री आपस में मिलकर नूरा कुश्ती खेलते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने शिवराज सरकार का सटीक चित्रण किया है। मध्य प्रदेश के हालात पर एक गंभीर टिप्पणी की है। वर्तमान में यह हालात हैं कि ब्यूरोक्रेसी पहले मंत्रियों की चप्पल उठाती थी और आज ब्यूरोक्रेसी की चप्पल बने हुए मंत्रीगण घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश में यह हालात हैं कि शिवराज सरकार सिर्फ नाम की शिवराज सरकार है, ब्यूरोक्रेसी का नौकरशाहों का पूरे मध्य प्रदेश पे राज है। कोई मंत्री कोई भी नोटशीट लिख दे, कोई आदेश दे दे, वो नहीं सुना जाता है। लेकिन एक नौकरशाह किसी बात के लिए बोल देता है तो वो 24 घंटे में काम हो जाता है। जनता इन दोनों के बीच फुटबॉल बनी हुई है। उमा भारती जी ने तो यह भी स्पष्ट करा है कि जब नौकरशाह समझा देते हैं कि इसमें आपका फायदा है तो उसमें नेतागण मंत्रीगण चुप हो जाते हैं, आर्थिक लाभ का लेन देन होता रहता है और जनता मूर्ख बनती रहती है। यह मध्य प्रदेश का शासन है। मेरा तो निवेदन है उमा भारती जी से कि वो शराबबंदी के पहले ये नौकरशाही के खिलाफ मैदान में उतरे, शिवराज सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे। कम से कम जनता को न्याय तो मिले, जिसके लिए वोट दिया जनता ने, जिन नेताओं को चुना, आज वो ऐसी कमरों में बंद होकर बैठ गए हैं और नौकरशाहों के साथ मिलके एक मिला जुला खेल खेल रहे हैं, जो उमा भारती जी ने उजागर करा के फाइलें किस तरीके से घुमाई जाती, कैसे रोका जाता है, जब फायदा मिल जाता है तो फिर वो काम हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को भी अभी समझना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है और कैसे अब आगे के लिए संघर्ष करना, ये जनता को तय करना चाहिए आने वाले 2023